हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है, क्या आपके कमर के नीचे की जो हड्डी होती है अगर वो किसी प्रत्येक आकार की हो तो वो ये डिसाइड कर सकता है कि आपकी जो डिलीवरी होगी वो नॉर्मल होगी या आपको कष्टदायक डिलीवरी हो सकता है या फिर आपकी सिजेरियन सेक्शन हो सकती है। इसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखें ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि हमारे कमर के नीचे की हड्डी अलग अलग प्रकार के होती है और उससे हमारे नॉर्मल डिलीवरी पर क्या असर पड़ सकता है। वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं कोई भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के बारे में वीडियोज़ डालूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कमर के नीचे की हड्डी जो कि अलग अलग शेप और साइज़ में होती है अलग अलग लोगों के शरीर में, क्या ये शेप और साइज़ हमारे नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती है। सबसे पहले हम जानेंगे पेल्विस क्या होता है। पेल्विस ये एक ऐसी हड्डी होती है जो हमारे कमर के नीचे होती है, जो हमारे जांघों और हमारे पीठ के निचले भाग के बीच में होती है। ये बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बनी हुई होती है जो हमारे बॉडी के ऊपरी भाग को सपोर्ट करता है। इस हड्डी को हम कहते हैं पेल्विस। ये हड्डी हमारे शरीर में बहुत सारे काम करती है, जैसे हमें खड़े होने में मदद करती है, चलने में मदद करती है, दौड़ने में मदद करती है, बैठने में सपोर्ट देती है। इसके अलावा हमारे बॉडी के वेट को संभालती है। और ये पेल्विस बोन जो होता है ये हमारे बहुत सारे अंदरूनी अंगों को भी प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि हमारा गर्भाशय, हमारे आंत, हमारे यूरिन की थैली जिसे हम ब्लैडर कहते हैं, इन सारे अंगों को ये प्रोटेक्शन देने का भी काम करती है। ये जो पेल्विस हड्डी होती है ये मेल और फीमेल्स में अलग अलग शेप में होती है। जो फीमेल्स में होती है ये थोड़ा चौड़ा होता है और थोड़ा ज़्यादा बड़े साइज में होता है, इसमें ज़्यादा स्पेस होता है। और मेल्स में जो है ये थोड़ा सकरा होता है। फीमेल्स में ये चौड़ा होने का एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि भगवान ने नेचुरली हमारे बॉडी को ऐसा इसलिए बनाया है ताकि बच्चे का शरीर अच्छी तरह से निकल के नॉर्मल डिलीवरी बच्चे की हो सके। इसलिए ही वुमेन्स का जो पेल्विस होता है ये थोड़ा चौड़ा होता है। लेकिन यहाँ तो हमने देखा मेल और फीमेल में ये डिफरेंट शेप की होती हैं, लेकिन जब हम फीमेल्स के बारे में बात करते हैं तो फीमेल्स में ही ये अलग अलग शेप में होती हैं। इन शेप को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, गाइनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड, एंड्रॉइड और प्लैटिप्लॉइड। यहाँ हम एक पिक्चर के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अलग अलग पेल्विस के शेप हमारे डिलीवरी के प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती है। सबसे पहला है गाइनेकॉइड पेल्विस। गाइनेकॉइड पेल्विस जो है सबसे कॉमन पेल्विस शेप माना जाता है, जो ज़्यादातर बहुत से फीमेल्स में पाया जाता है। इसका शेप कम्प्लीटली राउंड होता है और ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस होता है, जिसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। एंड्रॉइड पेल्विस हमारे मेल्स के पेल्विस को रिसेम्बल करता है, जो थोड़ा सकरा होता है और उसका शेप जो है एक हार्ट के समान होता है, यानी कि दिल के समान होता है। क्योंकि इसका शेप सकरा होता है तो इसलिए हमारे नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है। बेबी का जो मूवमेंट है वो उतना आसानी से नहीं हो पाता, इसलिए बेबी धीरे 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 यहाँ से मूव करता है, जिसके कारण कई बार मदर्स को डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि वो सिजेरियन सेक्शन कराएं, क्योंकि इसे लेबर प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबा होने का चांसेस है, जो मदर और बेबी को दोनों को अफेक्ट कर सकता है। एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो है थोड़ा सामने और पीछे से थोड़ा लंबा होता है, लेकिन साइड से ये थोड़ा नैरो होता है, जिसकी वजह से सेम एंड्रॉइड पेल्विस की तरह ही यहाँ भी लेबर प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है
और आगे चल के मदर को सिजेरियन सेक्शन शायद कराना पड़ सकता है, क्योंकि लेबर का जो टाइम है वो इस पेल्विस में थोड़ा लंबा हो सकता है। अगला है प्लैटिप्लॉइड पेल्विस, जिसका शेप जो है एकदम फ्लैट होता है, चपटा होता है, और इसका शेप जो है एक अंडे के आकार का होता है, यानी कि ओवल शेप होता है। ये बहुत ही रेयर टाइप का पेल्विस होता है, जिसमें बच्चे के शरीर को अंदर जाना लगभग बहुत मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ भी मदर्स को ये कहा जाता है कि वो सिजेरियन सेक्शन ऑप्शन लें। तो आपने देखा किस तरह अलग अलग पेल्विस के शेप हमारे नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि गायनाकॉइड पेल्विस सबसे फेवरेबल पेल्विस माना जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा स्पेशियस होता है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, और बाकी जो पेल्विस के शेप और साइज होते हैं, जो कि एंड्रॉयड, एंथ्रोपॉइड, प्लैटिप्लॉइड, इनका शेप थोड़ा सकरा होने के वजह से, स्पेशियस ना होने के वजह से लेबर की जो अवधि होती है वो लंबी हो जाती है, जिसके कारण मदर को सिजेरियन सेक्शन कराना पड़ सकता है। ये जो भी पेल्विस का शेप होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि हमारे पेल्विस का जो शेप है ये जन्मजात होता है, जिसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन अगर आप अपने पेल्विस के शेप को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो आप एक बार डॉक्टर से बात कर सकते हैं और उनसे डिटेल में जानकारी ले सकते हैं कि आपका पेल्विस कौन सा शेप का है और इसमें नॉर्मल डिलीवरी होने के कितने परसेंटेज चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको भी समझ में आया होगा कि कैसे हमारे पेल्विस का शेप हमारे नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी जानकारी पेल्विस बोन के बारे में बढ़ सके। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक ले बाय बाय।